हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक सिलाई वीडियो होने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आसान तरीके से आप लहंगा कटिंग कर सकते हैं एंड स्टिच कर सकते हैं अराउंड एक घंटे में। आई होप अब ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑलराइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कटिंग से। सबसे पहले मैं ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ जो कि नेट का है और इसके नीचे हम लाइनिंग भी लगाएंगे। अब हम इसे चार हिस्सों में फ़ोल्ड करेंगे, पर फोल्ड करने से पहले मैं इसकी लेंथ मेजर कर लूँगी। जो ये कपड़ा है, फैब्रिक है, इसका जो अर्ज है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मेरी आराम से लंबाई निकल जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मुझे जोड़ लगाना पड़ता है, और आपको भी पड़ सकता है अगर उसका अर्ज बड़ा नहीं है। सो जब भी आप लहंगा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बड़े अर्ज वाला कपड़ा खरीदें। सो मैं क्या करूँगी, मेरे जो लहंगे की लंबाई है वो 43 होने वाली है। यस, मुझे लगता है मेरी टांगें थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं। ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर से मैं अराउंड 5.5 इंच छोड़ के, जो कि मेरी कमर की चौड़ाई होने वाली है, उसके आगे से 41 इंच तक का मेजर करके चार फोल्ड में इसको कर लूँगी। 41 इसके लिए क्योंकि 2.5 इंच की मैं बेल्ट भी लगाऊंगी ऊपर, सो उसके लिए चल जाएगा और आपको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ेगा। इसी तरह मैं चार हिस्सों में इसको फोल्ड कर लूँगी। Open my own damn doors, pay for everything on my plate. Sometimes I'd even get the steak, 'cause I got it like that. Always had my own bag, never needed no man to rely on. Got two good shoulders to cry on. I was alright on my. So once ये चार हिस्से fold हो गए, extra को हम काट के side पे रख देंगे। अब इन चार हिस्सों को मैं again से इस triangle shape में fold करने वाली हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऊपर कमर से। कमर की कटिंग आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी कमर है उसको डिवाइड करना है 6.2 से, और जितना भी आपके पास आता है उसको आप काट दें, वो आपका कमर का एरिया बन जाएगा। सो मेरी कमर है 35 और उसके हिसाब से मुझे 5 इंचेस ऊपर से काट दिया है मैंने। मैं हर तरफ से 41 मेजर करके निशान लगा लूँगी। इस तरह हम गोलाई से कटिंग कर देंगे। अब हम इसको खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा घेरा बना है। जितना ज़्यादा घेरा होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी अम्ब्रेला लहंगा स्कर्ट बनेगी। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का है। इसी सेम प्रोसेस से हम लाइनिंग को भी काट लेंगे। लाइनिंग के लिए ये मैं साटन किस्म का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। वंस ये काट लिया है मैंने, सो अब हम साइड से सिलाई करेंगे। पहले मैं मेरे नेट वाले फैब्रिक को सिलाई कर रही हूँ। यस, मुझे कोई पूछ रहा था कि इस पे बीड्स हैं तो सिलाई में मुश्किल हुई, पर ये बीड्स को उतारना ज़्यादा आसान मुश्किल नहीं था पर इन बीड्स को उतारना ज़्यादा मुश्किल नहीं था तो मैंने आराम से उतार लिया और सिलाई कर ली। So, जब मैंने ये दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है तो ये बहुत अच्छा राउंड सा कपड़ा मेरे पास रेडी हो गया। इसी तरह मैं लाइनिंग पे सिलाई लगा लूंगी। जब ये हमारी दो स्कर्ट्स तैयार हो चुकी हैं, अब मैं साटन वाली स्कर्ट को सीधा
नेट वाले फैब्रिक के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और मैं इसकी ऊपर से सिलाई कर लूँगी ताकि ये हिले ना। सो वंस ये सिलाई हो चुकी, अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए भी हमें लाइनिंग एंड नेट का फैब्रिक चाहिए ताकि कोई भी डिफरेंट नहीं लगे लहंगा स्कर्ट। सो मैंने ये कपड़ा लिया है, अराउंड 2.5 इंच की बेल्ट बनाएंगे हम। पहले मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बेल्ट है वो थोड़ी हार्ड रहे, उसके लिए मैं बुकरम इंसर्ट करने वाली हूँ। मेरे पास ये बुकरम है, ये पर बहुत थिन थी तो मैंने दो को अटैच करके 2.5 इंच की बेल्ट तैयार कर ली। अब इसको मैं तैयार किए हुए कपड़े के अंदर सिल लूँगी। वंस ये सिल गया है तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के इसको अटैच कर रही हूँ लहंगा स्कर्ट के साथ। एक साइड को हम ओपन रखेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे हुक लगानी है। वंस ये अटैच हो गया है तो इस तरह का दिख रहा है ये, और उसके बाद हमारा लहंगा तैयार है। आप इलास्टिक भी पहन सकते हैं पर इससे ज़्यादा क्लीन फिनिश आती है लहंगे की। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरह हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल बना है। सो इसी तरह आप अपना लहंगा तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर द ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.